हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th, और ये रहेगा इसका पार्ट वन। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो एनसीईआरटी का पोर्शन है, उस एनसीईआरटी के पोर्शन में हमारे 5 मेन चैप्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये जो 5 मेन चैप्टर्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इन चैप्टर्स को अभी हम स्टडी करने वाले हैं, और इन चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सभी स्टडी करेंगे। बेटा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रोजेनमंड्स रिडक्शन। देखो, जो भी आप रिएक्शन स्टडी कर रहे हो उनको इन दो पॉइंट्स की तरह से स्टडी कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो नेम्ड रिएक्शन है ये किस चीज के लिए यूज होती है और इसमें रिएजेंट्स क्या होते हैं। अगर आपने एक बार ये पढ़ लिया ना बेटा, अगर आपने इसको एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लिया ना, तो आप या तो कन्वर्जन भी कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट रिएक्शन आएगी तो डायरेक्ट रिएक्शन भी हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखू यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये रोजेनमंड रिडक्शन है, ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं किसी भी ऐसा असाइल क्लोराइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेंजाल्डिहाइड में। ठीक है, और इसमें जो रिएजेंट यूज होने वाले हैं वो होने वाले हैं H2 गैस भी यूज करेंगे हम, क्योंकि रिडक्शन है। और इसमें जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा PD ओवर BaSO4। PD मतलब होता है पैलेडियम, राइट। तो चलो रिएक्शन देख लेते हैं। इस रिएक्शन का पहले हम जनरल वे में देखेंगे और उसी के साथ में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स भी। आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, जैसे अगर मैं कहूंगी एसाइल क्लोराइड, तो एसाइल क्लोराइड में हमेशा यहां पे क्या होता है, एक R अल्काइल ग्रुप हो गया, और ये जो है ये COCl, जिसे हम कहते हैं एल्काइल और असाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे हम इसको? एल्काइल असाइल क्लोराइड हो जाएगा वो। ठीक है, एक एसिटिल क्लोराइड हो सकता है, बेंजोइल क्लोराइड हो सकता है, वो हम इसमें इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले अभी आपको जनरल वे में बता रही हूं और उसके बाद में मैं आपको इसी का प्रॉपर तरीके से एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगी। तो चलिए हम बीच बीच में मेमोराइज भी करते चलेंगे कि ये हुआ हमारा असाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस असाइल क्लोराइड की रिएक्शन, जैसे कि अब हमने ये मेमोराइज कर लिया था, तो हम देखेंगे कि ये रिएक्शन हम कर रहे हैं H2 के साथ में, और किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन? पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में होगा। जब ये रिएक्शन इसके प्रेजेंस में होगा तो मेन क्या चेंज होता है वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये जो असाइल ग्रुप जो है हमारा, ये असाइल ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, मतलब यहां पर जो हमें मिलेगा वो होगा RCHO, और साथ में ही HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा। चलिए अब हम प्रॉपर एग्जांपल लेकर करते हैं। जैसे कि अब मैंने यहां पर ले लिया है CH3COCl, जिसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। हम क्या कहते हैं जिसको? एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड में हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। तो हम देखते हैं कि जो क्लोराइड, जो एसिटिल क्लोराइड ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में। R की जगह आप लिख लो, यहां पे क्या आ जाएगा? R की जगह CH3CHO। इट मींस ये कन्वर्ट हो रहा है आपका एसिटाल्डिहाइड में। किसमें? एसिटाल्डिहाइड में, और साथ में HCl भी यहां पे एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास में C6H5COCl, C6H5 जो ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप होता है। जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं बेंजोइल, क्योंकि ये असाइल होता है, तो उसी के बीच में हम इसको लिखते हैं बेंजोइल। सो बेंजोइल, और ये क्या आ जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन फिर हम करवा रहे हैं यहां पे H2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। ये क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने कहा ये C6H5 एज इट इज रहेगा, जो आपका COCH3 ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, और बाय प्रोडक्ट भी ऐसा ही है। मतलब ये क्या बना है हमारे पास में? ये बना है बेंजाल्डिहाइड। तो हमने रोजेनमंड्स रिएक्शन में ये देखा कि असाइल ग्रुप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं CHO में। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे आपको बताना चाहूंगी कि इससे, जैसे हमने देखा कि हमने क्या क्या एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाए, ये जो अल्डिहाइड जो बन रहे हैं ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं
और एलिफैटिक भी हो सकते हैं, मतलब इस प्रोसेस से हम एरोमेटिक एंड एलिफैटिक अल्डिहाइड जो है ये हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, अब देखो ये पैलेडियम क्या होता है, पैलेडियम डिपॉजिटेड ओवर BaSO4। ठीक है, तो ये आपने क्लास 11th की रिएक्शन में देख इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं लिंडार्स कैटेलिस्ट। क्या कहते हैं हम उसको, लिंडार्स कैटेलिस्ट, लिंडार्स कैटेलिस्ट। ये इस कैटेलिस्ट का नाम है ना, ये सिर्फ PDBSO4 जो है ये इस कैटेलिस्ट का नाम है, तो आप यहाँ पे PDSO4 भी लिख सकते हो या फिर एरो पे लिंडार्स कैटेलिस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम ये देखेंगे कि फॉर्मल क्लोराइड जो है ना, इसमें जो फॉर्माइल क्लोराइड होगा वो फॉर्माइल क्लोराइड जो है यहाँ से ये cannot reduce to give formaldehyde, है ना, हम यहां लिख लेंगे कि ये जो अगर हम यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज क्वाइट अनस्टेबल, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से हम नहीं लिख सकते। मतलब अगर एग्जाम में हमारी ये रिएक्शन आती है तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और इसके कुछ पॉइंट्स है जो अभी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। राइट, अब दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, चलिए देख लेते हैं इसको, स्लाइड को चेंज कर लेंगे हम, और फिर हम देखेंगे हमारा यहाँ पे हम देखते हैं हमारी दूसरी रिएक्शन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, यहां पर आ गई हमारी दूसरी रिएक्शन, और ये है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, स्टीफन रिएक्शन। अब देखिए स्टीफन रिएक्शन के हम इसी तरीके से सभी पॉइंट्स पढ़ेंगे। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, जनरली यहां पे जो है हमारे पास में हमने लिखा हुआ है नाइट्राइल्स। राइट, नाइट्राइल्स मतलब क्या हुआ बेटा, नाइट्राइल्स को अगर हम देखें, दूसरा नेम अगर हमें लिखना चाहे हम, तो हम लिख सकते हैं साइनाइड्स। नाइट्राइल्स को ही हम क्या कह सकते हैं, साइनाइड्स भी कह सकते हैं। मतलब स्टीफन रिएक्शन जो है, या फिर स्टीफन इसको रिएक्शन या आप रिडक्शन भी कह सकते हो, है ना, स्टीफन रिएक्शन या रिडक्शन भी कह सकते हो। तो इसमें हम मेनली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइनाइड्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अल्डिहाइड्स में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्डिहाइड्स में, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब देखो इसमें जो रिएजेंट जो हम यूज कर रहे हैं ना, SnCl2 प्लस HCl, एक्चुअली इनके रिएक्शन कैसे होती है ये ध्यान से समझो आप, है ना। पहले मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाना चाहूंगी इस रिएक्शन का, उसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में हर बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो चलिए मैकेनिज्म जो है हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म क्या कहता है, देखो हमारे पास में क्या है, SnCl2 है। ठीक है, ये रिएक्शन किसके साथ में कर रहा है, HCl के साथ में। आई थिंक आई शुड चेंज द कलर ऑफ पेन, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो SnCl2 प्लस HCl के साथ में जब रिएक्शन हो रही है, तब ये बनाते हैं SnCl4, क्योंकि जो SN की यहाँ पे जो हम देखेंगे प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कन्वर्ट होता है प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, और साथ में ही रिलीज करता है नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ये नेसेंट हाइड्रोजन इसने रिलीज कर दिए। अब ये जो रिएक्शन, अब समझो जरा, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, हमने यहां एग्जाम्पल लिया है CH3CN का, मतलब ये कौन सा हुआ हमारा, मिथाइल साइनाइड हुआ, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मिथाइल साइनाइड है, हमेशा हमें पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बाद पास में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को, इनकी रिएक्शन करवाई है 2H के साथ में, ये 2H हमें यहां से मिला। ठीक है, 2H जो है हमें यहां से मिला, तो ये बन गया हमारा 2H, और साथ में HCl भी एड ऑन होता है। और हमें यहां पर रिएक्शन देखो किस तरीके से हो रही है, सबसे पहले जो है यहां पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ना, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और जो जिसको वाटर के साथ हीट करने के बाद में हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या मिलता है यहां पे, समझो ध्यान से इसको, ये है हमारा CH3 हमने लिखा, अब ये CH और साथ में ही इसके साथ में जुड़ जाता है NH.HCl। मतलब आप देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास में दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाता है, और हमें HCl मिल जाता है। ठीक है, ये बना जिसको हम आइमीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या है, एक हमारा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है ये, हमारा इंटरमीडिएट
प्रोडक्ट है, और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में यहां पे आपको मिलेगा CH3CHO और साथ में ही NH4NH4Cl। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद में फाइनली हमें जो है ये प्रोडक्ट मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई एग्जाम में क्या हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ये सब चीजें लिखनी है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी रिएक्शन इस तरीके से लिखते हैं, मतलब CH3CN आपने दिखा दिया और साथ में जो मेन रिएजेंट है, अभी जैसे आपने बाय हार्ट करें, मतलब SnCl2 प्लस HCl आपने यहां लिखा, एरो पे आप ये भी दिखा सकते हैं और एरो पे हम यहां पे बता सकते हैं कि हमने इसमें बाद में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं हम, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में फाइनली हमें मिल रहा है CH3CHO प्लस NH4Cl। सिमिलरली अगर मैं यही रिएक्शन इसके साथ कर सकती हूं तो ये तो मिथाइल साइनाइड हो गया। अब मैंने C6H5CN लिया है, ठीक है, फिनाइल साइनाइड लिया, और इसके साथ में अगर मैं एरो पे लिखती हूं SnCl2 प्लस HCl और इसको मैं फर्स्ट पोजीशन डाल देती हूं, और सेकेंड पोजीशन पे अगर मैं लिखती हूं हाइड्रोलिसिस, क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहां पे C6H5CHO, क्योंकि हमने CN ग्रुप को CHO में कन्वर्ट किया है, राइट, CHO प्लस क्या बनेगा यहां पे, NH4Cl बनेगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखना कि किसी भी साइनाइड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी साइनाइड को हम कन्वर्ट करते हैं अल्डिहाइड्स में, किसमें, अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये इसका मैकेनिज्म है। एक बार अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया तो आप इसको इजीली लिख सकते हो, एग्जाम में भी कन्वर्जन में भी हेल्प हो जाएगी, और साथ में स्टीफन भी। इसका एक और तरीका हो सकता है याद रखने का बेटा, स्टीफन और ये देखो स्टेनस क्लोराइड SnSt है ना, तो इसमें ही इसका आप याद रख सकते हो, और सिंपल याद रखना है कि भाई साइनाइड्स को हम अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट जो है वो कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये भी रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आते हैं हमारे थर्ड रिएक्शन की तरफ। तो देखिए थर्ड रिएक्शन जो है वो है हमारी इटार्ड रिएक्शन, राइट। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, देखो इटार्ड रिएक्शन जो है ये हम देखते हैं, ये भी देखो यहां पे जैसे कि मैंने यहां मेंशन किया हुआ है कि इटार्ड रिएक्शन किस चीज के लिए यूज हो रही है, इटार्ड रिएक्शन यूज हो रही है टोलीन को कन्वर्ट करने के लिए, और किसमें, अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और जनरली ये रिएक्शन हम बेंजाल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि टोलीन तो एक क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और रिएजेंट्स जो यूज करेंगे वो कौन से, हमारे पास में CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और साथ में इसका हाइड्रोलिसिस भी होता है, ठीक है। तो चलिए ये रिएक्शन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें CrO2Cl2 को हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं हम इसको, क्रोमाइल क्लोराइड हुआ ये। अब देखो रिएक्शन हो कैसे रही है, अब सबसे पहले तो मैं यहां लिख लेती हूं टोलीन का फॉर्मूला, और जो है ये रिएक्शन CH3, हमें पता ही है कि टोलीन जो है हम हमेशा से ऐसे ही लिखते हैं। अब टोलीन में जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे बेटा हम यहां पे देखो इसकी रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं CrO2Cl2 के साथ में करवा रहे हैं, और यहां पे यस इटार्ड रिएक्शन में याद रखना है कि आप ये इसको CH2 में कर सकते हैं, या फिर आपका सॉल्वेंट CCl4 भी हो सकता है, बट जैसे कि NCERT में CH2 दिया है इसलिए हम स्पेसिफिक रह सकते हैं CH2 के साथ में, नहीं तो आप CCl4 भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अब यहां पर जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसे कहा जाता है इटार्ड कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं हम उसको, इटार्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना। अभी इटार्ड कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है ध्यान से समझो, इटार्ड कॉम्प्लेक्स जो बनता है तो जैसे कि हमें पता है कि ये CH के कितने हैं यहां पे पहले हम टोलिन का वो बेंजिन का स्ट्रक्चर बना दिया है, और यहां पर देखो यहां पे क्या है CH, अब दो हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ में कंबाइन हो जाते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, देखो यहां पे CrO2Cl2 था तो एक O और Cr यही आ जाता है, एक ये O और Cr यही आ जाता है, ठीक है, और साथ में इसके बीच में यहां ये OH अटैच हो जाएगा, ये OH अटैच हो जाएगा,
और ये Cl जो है Cl2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इटार्ड कॉम्प्लेक्स, और जिसको हम हाइड्रोलिसिस करने के बाद में, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हम यहाँ पे, यहाँ पर हम सीधे सीधे उस टोलिन को कन्वर्ट कर सकते हैं CHO में। CHO मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेंजाल्डिहाइड। तो इसमें इटार्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो कॉम्प्लेक्स जो है, ये यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, और फिर जब हम उसको डिकम्पोज करेंगे वाटर के साथ में, तो ये बेंजाइल बेंजाल्डिहाइड दे देगा, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो क्रोमिल क्लोराइड जो हम यूज कर रहे हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि ऑक्सीडेशन चेक करता है टोलीन का। ये आपको याद रखना है, तो एग्जाम में जब आएगा तब हम ये दो चीजें याद रखेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी रिएक्शन समझाई है वो आपको समझ में आई है। इस सीरीज को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होने वाली है, और इसमें मैं लगभग सभी एनसीईआरटी रिएक्शंस जो है वो मैं करवाऊंगी एक साथ। जब आप ये सभी सीरीज वीडियोस देखेंगे तो आपकी पूरी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें सभी में कवर हो जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या मैं इसी टॉपिक पे लाइव क्लास लूं या फिर नहीं। तो जैसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देंगे, मैं उसी हिसाब से जो है इस क्लास को कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे अहेड।